नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव या इनमें से कोई नहीं। भारत में नोटा एक टूथलेस टाइगर की तरह है और अब इसको लेकर एक याचिका दायर की गई है। याचिका जिसमें मांग की गई है कि अगर नोटा को बहुमत मिलता है तो चुनाव को रद्द घोषित किया जाए और निर्वाचन क्षेत्र में नए सिरे से चुनाव कराया जाए। क्या है ये याचिका और नोटा को लेकर हमारे देश में क्या नियम है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। दरअसल मशहूर राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा ने एक जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में उन क्षेत्रों में फिर से चुनाव की मांग की गई है जहां सबसे ज्यादा नोटा वोट है। वही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने जनहित याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट इस संबंध में दायर याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है। याचिका की बात करें तो इसमें मांग की गई है कि अगर किसी भी लोकसभा या विधानसभा सीट पर नोटा का विकल्प सबसे ज्यादा लोगों ने चुना है तो उस चुनाव को शून्य घोषित किया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने आयोग को नोटा संबंधी नियमों की जाँच का आदेश दिया है। बेंच ने कहा कि हम जाँच करेंगे और नोटिस जारी करेंगे। खेड़ा की ओर से पेश वकील ने सूरत लोकसभा सीट का उदाहरण दिया जहाँ हाल ही में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल के इकलौते कैंडिडेट होने की वजह से कोई चुनाव नहीं हुआ था क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन खारिज हो गया था और अन्य सभी ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। याचिका में मांग की गई है कि कोई दूसरा उम्मीदवार किसी पदधारी का विरोध नहीं करता है तब भी मतदान होना चाहिए क्योंकि नोटा का विकल्प मौजूद है। याचिका में ये भी मांग की गई है कि अगर कोई कैंडिडेट नोटा से भी कम वोट पाता है तो उसे कम से कम 5 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाया जाना चाहिए। खेड़ा की याचिका में कहा गया है कि ईसीआई को इस आशय के नियम बनाने का निर्देश दें कि अगर नोटा को बहुमत मिलता है तो विशेष निर्वाचन क्षेत्र में हुए चुनाव को रद्द घोषित कर दिया जाएगा और निर्वाचन क्षेत्र में नए सिरे से चुनाव कराया जाए। याचिका में ये भी तर्क दिया गया है कि नोटा का विचार और उद्देश्य राजनीतिक दलों पर बेहतर उम्मीदवार खड़ा करने के लिए दबाव डालना है। कहा गया है कि ऐसे उदाहरण होते रहते हैं जब किसी निर्वाचन क्षेत्र के लगभग सभी उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले लंबित होते हैं, तब एक वोटर क्या करेगा। ऐसे में नोटा मतदाता के हाथ में एक शक्तिशाली हथियार है। अब ये तो हो गई याचिका की बात, अब बताते हैं कि भारत में नोटा को लेकर क्या नियम है। अगर आपको भी लगता है कि अपने देश में नोटा को अधिक वोट मिलने पर चुनाव रद्द हो जाएगा तो आप गलत हैं, क्योंकि भारत में नोटा को राइट टू रिजेक्ट का अधिकार प्राप्त नहीं है। जिसका मतलब है कि अगर मान लीजिए नोटा को 99 वोट मिले और किसी प्रत्याशी को 1 वोट भी मिला है तो 1 वोट वाला प्रत्याशी विजयी माना जाएगा। साल 2013 में नोटा के लागू होने के बाद में चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि नोटा के मत केवल गिने जाएंगे पर इन्हें रद्द यानी कि इनवैलिड मतों की श्रेणी में रखा जाएगा और इसी वजह से नोटा का चुनाव के नतीजों पर कोई असर ही नहीं पड़ता है और यही वजह है कि इसे टूथलेस टाइगर कहा जाता है क्योंकि इसमें पावर तो बहुत है लेकिन ये किसी काम की नहीं है। हालांकि अब जब ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है तो कुछ न कुछ निष्कर्ष तो जरूर निकलेगा। आज की खबर के लिए महिमा शर्मा की रिपोर्ट।